प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुलाब आंटी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? टप्पू बेटा, बेटा हमारी जिंदगी में जो घटना हो रही है उसके बारे में ज्यादा सोचना मत। हाँ मम्मी। और बेटा हो सके तो अपने रूम में ही खेलना, नीचे सॉसी के कंपाउंड में मत खेलना। और डोंट वरी मम्मी, टप्पू अब समझदार हो गया है। और मम्मी तुम भी ज्यादा टेंशन मत लो। और दादाजी कहते हैं ना कि जीवन में दुख और झूठ दोनों एक बुरे सपनों की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। मम्मी आज सुबह दादाजी ने टप्पू को समझाया और टप्पू समझ भी गया था। और टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि आज के बाद हम वो गुलाब आंटी के बारे में बात ही नहीं करेंगे। और कोई कुछ पूछेगा तो हम ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि टप्पू सेना समझदार जो हो गई है। शाबाश टपूड़ा। दादाजी। टप्पू वाह बेटा, तू तो सच में बहुत समझदार हो गया है। थैंक यू दादाजी। ओ, जब पूरा परिवार एक साथ हो ना तो उस परिवार पे कोई भी मुसीबत आए उस मुसीबत को मुंह तोड़ हार मिलती है। सही कहा बापूजी। बापूजी आप और टप्पू खाना खाने बैठ जाइए, मैं खाना परोसती हूँ। दया, मेरी छोटी बहन, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। आज भले ही तुमने साहिबा को अपने हाथ का बना खाना खिलाया और भले ही तुम ऐसा सोच रही हो कि ये बाजी तुम जीत चुके हो, लेकिन आज रात को मैं तुम्हारी जीत को हार में और अपनी हार को जीत में बदल दूंगी। ये मोबाइल दीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छा मोबाइल पसंद किया है, सॉलिड और स्ट्रॉन्ग। मोबाइल का मोबाइल और हथियार का हथियार। अगर कोई चोर इसे आपके हाथ से चोरी करके भागे तो आप यही मोबाइल से उसके सर पे मारोगे तो वो तुरंत वहीं बेहोश हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, मुझे ऐसा मोबाइल नहीं चाहिए। अरे जब मेरी बीवी गुस्सा होती है तो मोबाइल फेंक के मारती है, मुझे नहीं चाहिए। अरे सुनिए, अरे सुनिए तो, मेरे पास हल्का फूल जैसा मोबाइल भी है। अरे सुनिए सुनिए, चला गया। क्या भाई, बाहर क्यों खड़ा है? सेठ जी, नहीं मैं आप लोगों की राह देख रहा था। हाँ तो आ गए हम लोग। चल भाई चल। ठंडी ठंडी ठंडी। सेठ जी, मुंबई में आजकल कमाल की ठंडी पड़ रही है। हाँ हाँ, वो बोलते हैं ना वो सब, क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। दुनिया में बाढ़, गर्मी, ठंडी सब बढ़ रहा है। दुनिया की हालत भी जेठालाल चंपकलाल गड़ा जैसी हो गई। मुसीबत ही मुसीबत। ये क्या है भाई, ऐसे मोबाइल यहाँ क्यों पड़े? वो सेठ जी, मोबाइल खरीदने के लिए एक कस्टमर आया था। खरीदा कहाँ सेठ जी, आज का दिन ही खराब है। बागा, तेरे लिए आज का दिन खराब है, बाकी सेठ के लिए तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज तो सेठ जी के दो दो फायदे हुए,
बंसल सेठ से इतना बड़ा ऑर्डर मिला और ढोलकिया सेठ से पेमेंट भी मिल गया। अरे वाह, ढोलकिया सेठ से पेमेंट मिल गया? हाँ, सेठ जी के आने से पेमेंट मिल गया। थैंक यू वेरी मच सेठ जी, आप आए। अरे क्या नाटू काका, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपने वक्त पे याद दिलाया, वरना दो महीने के लिए पेमेंट तो भूल ही जाने का था। सेठ जी, आज आपके दो दो फायदे हुए हैं, तो मेरा भी एक फायदा करा दीजिए ना, मेरी पगार बढ़ा दीजिए ना। तो काका आप भी ना, लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारने का एक भी मौका चुकते नहीं है। नहीं अरे भाई, मैं अभी थोड़ा टेंशन में हूँ, टेंशन फ्री हो जाऊँ बाद में सोचते हैं। तब तो मेरी पगार कभी बढ़ेगी ही नहीं। क्यों? सेठ जी तो हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। नटू काका, मेरे सर पर पहले ही टेंशन की तलवार लटक रही है, अब ये तानों के तीर मत मारो। ओके सेठ जी। अभी तू क्या यहाँ खड़ा है? ये मोबाइल इधर ही रखना है या कबाड़ के अंदर रखना है? नहीं नहीं, अंदर रखना है ना। कहाँ जा रहा है? आप कुछ बोले? हाँ। क्या? कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आ रहे थे मोबाइल रखने। हाँ बोल दे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन किया। क्या कर रहे हो? मैं बस कुछ नहीं, दुकान में हूँ। अच्छा सुन, ओ पहाड़ी ने तेरे साथ और कोई मगजमारी तो नहीं की ना? नहीं नहीं, कोई मगजमारी नहीं की, उल्टा मैंने उसको चेतावनी दी। अंदर खबरदार, जो दुकान में टिफिन लगा गई तो। अरे पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर उसने कोई मगजमारी की भी ना तो मैं उससे निपट लूंगी, मैं भी अहमदाबाद की हूँ। अच्छा चलो छोड़िए, उसकी बात छोड़िए, मुझे ये बताइए आप घर कब आ रहे हो? मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। अच्छा सुनिए, हमारे घर आते वक्त रास्ते में पहले उसका झोपड़ा आता है, तो गलती से कहीं उधर मत चले जाना। तुझे कैसे पता चला मैं वही हूँ? क्या? क्यों, तू अकेली मजाक कर सकती है, मैं नहीं कर सकता? क्या टपुके पापा, आप भी भगवान की कृपा है कि इतने टेंशन में भी हम दोनों हंस सकते हैं। हंसना ही चाहिए, मेरा सुंदर हीरा हमेशा कहता है टेंशन में मुंह फुला के बैठने से टेंशन थोड़ी कम होता है। ओहो, इस बार माँ के बदले सुंदर ने कुछ कहा? तो ज्ञान के सागर जैसी माँ के साथ रहता है तो ज्ञान की बातें तो सीखेगा ही ना। बस 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 दया, माँ और सुंदर की बातें तो सालों साल करते रहेंगे ना, तो भी कभी खत्म नहीं होगी। सच कहा आपने। कुछ और बोल। अच्छा सुनिए, अभी आप रिक्शा में दुकान से घर आएंगे ना, तब कान पर रुमाल बांध लेना, आज बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाँ हाँ भाई, बाहर ठंड तो बहुत है। चल अभी फोन रख, मैं आता हूँ। हाँ आइए आइए, जल्दी आइए, हम दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। दोनों? मैं और मेरी तनहाई। तू भी ना, ठीक है चल। भाई, भाई। मटू काका, मैं घर जा रहा हूँ। जी सेठ जी। और आप भी जरा संभालना, बाहर ठंड बहुत है, तो स्वेटर मफलर सब पहन कर रखना, वरना बीमार हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच सेठ जी फॉर योर कंसर्न। मतलब मेरी इतनी चिंता करने के लिए आपका धन्यवाद। चलो निकलूं मैं। जी सेठ जी। चलो। बागा। मुंबई में इतनी ठंड। साहिबा, साहिबा। जेठालाल, क्या है? गुलाबो तुम्हें बुला रही है। सुना मैंने। अरे तो सॉरी साहिबा, आपने पोपट बाई को तो खामोश कर दिया, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ को खामोश नहीं कर पाएंगे। मैं कब से पलके बिछाए प्यार भरी निगाहों से आपका इंतजार कर रही हूँ, और एक आप है कि मेरी तरफ देखते भी नहीं है। अगर मेरा प्यार सच्चा है
तो आपको मेरी तरफ देखना ही होगा, और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, मेरी तरफ आएंगे भी। और जब तक आप मेरे पास नहीं आओगे, तब तक मैं यही ठंड में बिना कंबल ओढ़े आपका इंतजार करती रहूंगी, चाहे मेरी पूरी जिंदगी क्यों ना बीत जाए। ये गुलाब अगर इसी तरह ठंड में खड़ी रहेगी तो बीमार हो जाएगी। अच्छा किया वो गुलाबड़ी की तरफ देखा ही नहीं। और मैं क्यों देखो, क्यों उसकी तरफ? हाँ, मतलब वही आपने अच्छा किया। एक के बाद एक नए नए नाटक करती रहती है। जब तक आप मेरे पास आओगे नहीं, तब तक मैं ऐसे ही पल के बिछा के आपके इंतजार में यहीं खड़ी रहूंगी। तो खड़ी रह, क्या करो। टप्पू के पापा, सोचने वाली बात यह है कि अगर वो ऐसे पल के बिछा के आपका इंतजार करेगी तो उसको पता कैसे चलेगा कि आप कब आए कब गए? और नहीं तो क्या, बेवकूफ नहीं तो। वैसे टप्पू के पापा, अगर वो सच में ऐसे पल के पीछे खड़ी रही तो? अरे तो कब तक खड़ी रहेगी, कभी ना कभी तो थकेगी ना, और जैसे थकेगी झोपड़ी में चली जाएगी, सो जाएगी। बराबर कहा टप्पू के पापा। चलिए आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाइए। अरे अरे, पर तू क्यों अपने पल के पीछे खड़ी है? मैं भी ना पल के पीछा तो थी, लेकिन बातों बातों में पल के संकेत ना ही भूल गई। चलिए आप जल्दी से खाना खाने बैठ जाइए। बापूजी और टप्पू ने खा लिया? ओ, कब का खाना खा लिया, फिर ठंडी है ना, तो बापूजी स्वेटर और बंदर टोपी पहनकर अभी सो भी गए होंगे। चलिए आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, और आज आपका पसंदीदा काठियावाड़ी खाना बनाया है। बजरन रोटी, आलू, मसाला खिचड़ी, कढ़ी, मरचा, पापड़ और माखन। जो भी है चलेगा, देना भाई, सर घूम गया मेरा तो। ये गुलाबड़ी टप्पू के पापा को कितना त्रास दे रही है। खाने में से रस उड़ गया टप्पू के पापा का, पता नहीं और क्या क्या भवाई करेगी ये गुलाबड़ी। देखिए गुलाबू जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर आप पीछे क्यों चले गए? नहीं तो मैं यही ठीक हूँ। क्या बात है? ठंड बहुत है ना आज, मेरे को पता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि जेठालाल नहीं आएगा। आसमान में उड़ने वाला पोपट भी मीठा बोलता है। पोपट भाई, आप तो फिर भी इंसान हो, समझदार हो, पत्रकार हो, आप फिर भी काली जुबान बोल रहे हो, क्यों? अरे मैं काली जुबान नहीं बोल रहा हूँ, मैं बरसों से जेठालाल को जानता हूँ। वो नीचे नहीं आएगा और आप इसी तरह ठंड में खड़ी रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी। पोपट भाई, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे साहिबा को आना ही होगा। आएंगे, मेरे साहिबा जरूर आएंगे। गुलाबो जी, आप गलत जिद कर रही हैं। ये मेरी जिद नहीं, मुझे मेरे प्यार पर, मेरे साहिबा पर पूरा भरोसा है। आपकी शादी हो गई पोपट भाई? हजारों बार। हटा क्यों घूम? नहीं, नहीं, सिर्फ सपनों में, हकीकत में जल्दी हो जाएगी। कोशिश जारी है। तभी तो आप पति पत्नी के रिश्ते की गहराई को नहीं समझ सकते पोपट भाई। मैं मेरे साहिबा का प्यार पाने के लिए अपनी जान दे सकती हूँ, तो फिर बीमारी क्या चीज है? और अगर मैं बीमार हो भी गई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मर जाऊंगी ना। ठीक, मैं अपनी जिंदगी हार सकती हूँ,
लेकिन प्यार नहीं। इनको समझाने का कोई फायदा नहीं, लगता है आज ये गोकुलदा मिला कर रहेंगी। क्या करूं? भिड़े 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 माधवी, मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है अपने सोसाइटी का नाम क्या है, गोकुल धाम सोसाइटी, लेकिन यहाँ पे कभी कुछ कूल होता ही नहीं है। भिड़े, ओ भिड़े। पुटलाल, इस वक्त नक्की सोसाइटी में कुछ लफड़ा हुआ है। दरवाजा तो खुलिए। अरे भिड़े, जल्दी दरवाजा खोल। हाँ, हेलो हेलो भिड़े। हाँ भाई, कितनी देर लगा तो दरवाजा खोलने में। सो रही अंदर। सॉरी सॉरी सुनो बेटा। अरे भाई भिड़े, सोसाइटी में गजब हो गया। काय झालं? अरे वो गुलाबो सोसाइटी छोड़कर चली गई। क्या बात है, अभिनंदन 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 पोपटलाल। क्या अभिनंदन, गुलाबो सोसाइटी छोड़कर नहीं गई तो? अरे भाई, जेठालाल गुलाबो को छोड़कर चला गया। ओ भाई, मतलब जेठा भाई सोसाइटी छोड़कर चले गए? अरे देवा, क्या आप लोग कुछ भी समझ रहे और अनुमान लगा रहे हैं? अरे तो बताना हुआ क्या है। अरे भाई, जेठालाल अपने घर चला गया। वो तो रोज जाता है अपने घर पे। तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, तू मेरे साथ जल्दी नीचे चल, मैं रास्ते में तुझे सब बताता। माधवी भाभी, आप भी जरा नीचे चलिए, वो लेडीज है ना, आपकी भी जरूरत पड़ सकती है। चल आ जा। अरे अरे, चप्पल तो घेऊ दे मला। अरे सुनने को तैयार नहीं है, बता रहा हूँ। वो देखो, अब से जेठालाल का इंतजार करते हुए इस तरह कंपाउंड में खड़ी, जान देने तक की बात कर रही है। अरे ये जेठालाल और गुलाबों की मुसीबत तो महंगाई की तरह बढ़ती जा रही है। करता है कौन, भरता है कौन? तू क्या खड़े खड़े कहावत बोल रहा है भाई, कुछ एक्शन ले। सेक्रेटरी है तू सोसाइटी का? अरे क्या सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है, तू भी तो कमिटी मेंबर है ना, तू एक्शन ले। नहीं भाभी, मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? वो मेरी अब तक शादी नहीं हुई है ना। अब पोपट भाव जी, इसमें आपकी शादी का क्या संबंध? मतलब क्या है ना, मुझे अब तक एक शादी का भी अनुभव नहीं है, बराबर, और ये तो दो दो शादियों वाला मसला है, तो मैं इस मसले की गहराई को उतना नहीं समझ पाऊंगा ना जितना भिड़े समझ पाएगा। भाई भिड़े, तेरी एटलीस्ट एक शादी तो हुई है ना। एटलीस्ट? मेरा मतलब है कि भाई, तुम्हारी शादी हुई है तो तुम इस मामले को और अच्छी तरह से समझ पाओगे। वो क्या है भिड़े, मैं कोशिश कर चुका हूँ और मैं नाकामयाब रहा हूँ, तो अब तुम इस नाजुक घड़ी में अपने सेक्रेटरी होने के फर्ज को अदा करो। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि मैं सेक्रेटरी बना था। जब से सेक्रेटरी बना हूँ ना, और जब से गड़ा परिवार से मेरा पाला पड़ा है ना, तब से मेरा वजन और सर के बाल दोनों कम होते गए। अहो, क्या आप तकलीफों का तानपुरा बजा रहे हो? मेरा मतलब है, जरा इसके बारे में सोचो। जेठा भाई नीचे नहीं आए तो रात भर ऐसे ही खड़ी रहेगी ये। हाँ, कुछ सोचते हैं।
दो पाटों के बीच में गेहूं पिसके आटा बन जाता है। और गोकुल धाम के नवासी मुझे लगता है कि गुलाबो और जेठालाल के आटे में आने ही वाले। अब दोनों ही अपनी जिद पे अड़े हुए, एक तरफ गुलाबों की जिद और दूसरी तरफ जेठालाल की जिद। अब ये जिद जमाने में किसी का भी फायदा नहीं कर पाई है। जिद से हमेशा लालच बढ़ता है। अगर दो भाई जिद कर ले तो परिवार बिखर जाते हैं। अगर जिद हो तो ऐसी हो कि समाज बदले, देश बदले। लेकिन यहाँ अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जनता पिसने वाली है। जेठालाल और गुलाबों के बीच में हम गोकुल धाम के निवासी सैंडविच बनने वाले हैं। ठंडी ठंडी हवा के झोंके जरूर चल रहे हैं, लेकिन जेठालाल और गुलाबों के टशन में आग बरसेगी, लेकिन आपके घरों में हंसी की बर्फ गिरेगी। तो चिंता मत करिए, मिलते हैं नए साल में। नहीं 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 नहीं, कल ही मिलेंगे, लेकिन तब तक बाय बाय 2012। मिलते हैं 2013 में नई हंसी के साथ, नई शुभकामनाओं के साथ। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।